बदायूं में लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी एसपी के निर्देश पर थाना वजीरगंज थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी एसडीएम और पुलिस ने 15,36,980 रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। महिला गैंगस्टर की संपत्ति जब्त की गई है। बदायूं में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जारी है। वहीं जिलाधिकारी मनोज कुमार और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देशों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चल रही है। वहीं सराज पत्नी मुजाहिद ग्राम उदयपुर थाना बजीरेंट की 15,36,980 रुपए की संपत्ति को प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट में चल रही सराज पत्नी मुजाहिद की 15,36,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर वही राज्य सरकार के हवाले किया गया। आपको बता दें, वही जनपद बदायूं में लगातार गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही जारी है। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह का कहना है कि गैंगस्टरों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है और वही संपत्ति जब्त भी लगातार की जा रही है। नेटवर्क 10 के लिए न्याजी खान,